अब जैसे राजा अम्बरीश थे सतयुग में, वही आत्मा राजा जनक हुए और वही आत्मा राजा जनक के समय अपना जो पुण्य किया था, यज्ञ धर्म किए थे, उनको स्वर्ग में समाप्त करके वही आत्मा फिर ये गुरु नानक देव जी हुए जो सिख धर्म के प्रवर्तक है। अब सतयुग में परमात्मा गए, इस आत्मा ने परमात्मा की बात को स्वीकार नहीं किया। त्रेता में आए, इसके मिले राजा जनक को, ज्ञान जरूर सुना, आधार भी बनाया, लेकिन पूजाएं वही की जो उनके गुरु बताया करते थे। और वही आत्मा फिर नानक जी के रूप में ये भारतवर्ष में, यानी पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान में, पहले भारती था, तो वहां कालूराम मेहता के घर उनका जन्म हुआ। और कहते हैं, जो जन हमारी शरण है ताका हूं मैं दास, गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरनी आकाश। तो फिर नानक जी को परमात्मा मिले बेई नदी पे और फिर उनको ज्ञान दिया, तब उस पुण्यात्मा का कल्याण हुआ। तो इस प्रकार उसी दृष्टिकोण से भगवान परमात्मा कबीर जी हमें बताना चाहते हैं कि जो साधना ये ऋषि लोग किया करते थे वो कैसी है। जैसे चंदन सर्प लिपटाई, शीतल तन भयावेश नहीं जाई। अब जैसे चंदन सर्प लिपटाई, गर्मियों के दिनों में चंदन के पेड़ बहुत ठंडे होते हैं, चंदन की लकड़ी, और ये सर्प जो है गर्मी से शीतलता पर राहत पाने के लिए उन चंदन के पेड़ों के लिपट जाते हैं। अब परमात्मा क्या बताना चाहते हैं कि जैसे चंदन के पेड़ के लिपट के और सर्प शांति प्राप्त करना चाहते हैं, नहीं हो पावेगी, क्योंकि शरीर तो शीतल हो गया, जिस कारण से उसको बेचैनी है वो उसके अंदर विष है, वो विष के कारण उसको बेचैनी होती है, और उस विष का नाश नहीं होगा तब तक उसको शांति नहीं हो सकती। तो ऐसे परमात्मा बताना चाहते हैं कि जैसे सर्प चंदन लिपटाई, शीतल तन भया विष नहीं जाई, अर्थात उसकी जो कारण है दुख का वो नष्ट नहीं होता। तो कहने का भाव यह है कि जैसे तुम साधनाएं कर रहे हो, इससे तुम्हें ये महसूस हो रहा है कि हम कुछ भक्ति कर रहे हैं, आप संतुष्टि महसूस कर रहे हो, लेकिन जिस कारण से आपको दुख होगा वो पाप कर्मों के कारण, और सत साधना ना मिलने से वो पाप नाश नहीं होते। जब तक वो पाप नाश रूपी व्यस नाश नहीं होगा तो आप जी को शांति नहीं हो सकती। जो साधनाएं तुम कर रहे हो ये तो ऐसी है जैसे सर्प चंदन के लिपट के और महसूस करता है कि मुझे कुछ राहत मिल रही है, लेकिन वो राहत सही नहीं है, वो तो उस विष के कारण है, वो विष नाश होगा तभी बात होगी। आगे क्या बताते हैं, सीप माही जो मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हला हल, सार वस्तु तो अंदर लीनी, सुकच मीन को दीक्षा देनी, सुकच मीन मिलता ना बाई, तो स्वाति सीप सब ऐली जाही, सुकच मीन की टक्कर लागे, जब मोती सो है गल दागे, खारा नीर गंद हो जावे, दोपड़ खुले कौन चितावे, सुकच मीन सतगुरु जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही, ऐसे सतगुरु मिले जगासी, तो पावे वो पद अविनाशी, सुकुच मीन सतगुरु हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया, कर्म कुसंगत खारा नीरा, मोती खंड होत घन हीरा। अब क्या बताना चाहते हैं, परमात्मा कबीर जी ने जो ज्ञान गरीबदास जी को दिया, यहाँ इन दोनों का, क्योंकि दोनों ही ऋषि विष्णु जी के उपासक थे, क्या बताते हैं,